ही इज द वन, मतलब जिन्होंने विनय सर को ट्रेन किया, विनय सर को फिजिक्स सिखाई, और जो रियल जिसको हम बोलते हैं वेदांतों का डीएनए दैट वी फील फॉर द स्टूडेंट्स। तो आज हमारे साथ बच्चों प्रसून सर के स्टूडेंट है निर्भय सिंह जी, देखा तेरी बातें इतनी अच्छी है, मन करता है सुनते रहे। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ऐसे दो लोगों से जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट भी किया है, और उनमें से एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरी पर्सनली खुद की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और आज आप YouTube पे जिसे विनय सर को विनय सर की तरह देखते हैं, उस विनय सर को पर्दे के पीछे डायरेक्ट करने वाले, प्रोड्यूस करने वाले और उसे बनाने वाले कौन से शख्स हैं, मैं उनसे भी मिलाऊंगा, और उन्हीं का एक ऐसा स्टूडेंट जो आप सबको एक ऐसी इंस्पिरेशन और एक ऐसी शक्ति देके जाएगा, और आप एक्चुअली वो फील करेंगे कि जो वेदांतु का जो डीएनए है, जो टीचर्स का डीएनए और जो बच्चों को आगे फर्दर बब्बर शेयर बनाता है, वो आप सब लोगों को बहुत बेटा आगे विश्वास और ऊर्जा देने वाला है। तो आइए मैं मिलाता हूं आपको उन्हीं दो लोगों के साथ। सो प्रसून सर, सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत सर दिल से बहुत बहुत सर, वी रियली लव यू, एंड बच्चों आई रियली से दिस थिंग, मतलब हमें एक्चुअली सर से प्यार है, एंड बच्चों प्रसून सर इज दैट पर्सन जिनसे एक्चुअली मैंने खुद फिजिक्स की जर्नी को सीखा। तो ही इज द वन, मतलब जिन्होंने विनय सर को ट्रेन किया, विनय सर को फिजिक्स सिखाई, और जो रियल जिसको हम बोलते हैं वेदांतों का डीएनए दैट वी फील फॉर द स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली वो जो गंगा है वो इस हिमालय पर्वत से हमारी आती है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वेलकम यू, आप हमारे इस चैनल पे आए, और आज मैं वैसे आया सर जरूर हमारे चैनल पे है, लेकिन मैं आज पटियाला सेंटर आया हूँ, तो एक्चुअली हमारा चैनल आज सर के घर पे आया। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रसून सर बड़े खुश हो रहे हैं, और बच्चों वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है, और यही पे बच्चों हमारे प्रसून सर के साथ है हमारे निर्भय सिंह, और निर्भय जो है बच्चों वो प्रॉपरली प्रसून सर से लगातार इस पूरी जेई प्रिपरेशन में 2 साल से लगातार एसोसिएटेड है। तो हमारे बब्बर शेर प्रसून सर और उनका आगे बब्बर शेर स्टूडेंट निर्भय। तो सर पहला तो सवाल मैं प्रसून सर से ही पूछना चाहूंगा, सर आप इतने प्यारे क्यों हैं? पहला तो सवाल सर यही है कि आपसे आगे टीचर्स भी प्यारे बने, बच्चे प्यारे टीचर प्यारे हैं? नहीं सर कुछ तो है सर, मतलब ये जानना चाहता हूँ आज भी आपने सर मैं मिला हूँ ना, पोस्ट पार्क है जो एक्चुअली मतलब ये विश्वास दिलाता है कि जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है अगर ऐसे साथ हो। देखिए टीचर्स बने ही हम सब, आपने भी अपनी कंपनी की जॉब छोड़ी, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के टीचर बने, हम सभी टीचर्स आई थिंक बने इसलिए हैं कि ये टीचिंग जॉब हमें जिंदा रखती है, हमें फ्रेश रखती है, और हमें बिल्कुल हमें हमेशा फ्लैश बैक में लेके जाती है जब हम भी बच्चे थे, हम भी नर्वस थे, हम भी एंग्शियस होते थे, और हमने उस एंग्शियस उस पूरे नर्वसनेस को कैसे झेला, और उस झेल कर हमने अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय की। सो आई थिंक वो हम हमेशा टाइम लाइन में वार्म होल में बैठते हैं, और हम पास्ट में चले जाते हैं, right. और हम फिर हम फ्यूचर में आते हैं, और फिर हम टाइम मशीन में बैठ के फिर से पीछे जाते हैं। क्या बात है, 11th 12th जर्नी कॉलेज फिर से 11th, और ये ऐसा प्रोफेशन है जो हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देता। सो हमें वो टाइम लूप में वो उसी में पसार रखते हैं। सो आई थिंक इट्स नो ओनली प्रोफेशन, टाइम लूप में। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था प्रसून सर आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, और जिस दिन सर आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए थे, और सर का पहला मिशन यही था कि मुझे इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट करना है, तो तब से सर सेवा कर रहे हैं पूरे सच्चे मन से सच्चे दिल से इस फील्ड के अंदर बच्चों के साथ, और हमारे जैसे टीचर्स के साथ भी सर ने लग के बहुत काम और बहुत मेहनत की है। तो आज हमारे साथ बच्चों प्रसून सर के स्टूडेंट है निर्भय सिंह जी। तो पहले तो बेटा इससे पहले आप शुरू करो, मैं पहली बार मैं क्या कहता हूँ, आप उन लकी लोगों में से एक हैं जिनको एक्चुअली हमारे वेदांतु पे प्रसून सर के साथ पूरा पढ़ने का इस 2 साल इस जर्नी को जीने का मौका मिला। तो मैं बच्चों बता दूं निर्भय सिंह जी के बेटा के मार्क्स पढ़ रहे हैं अभी जेई एडवांस में 170, इस साल जो हमारा जेई एडवांस का रिजल्ट आया है उसमें 170 मार्क्स पढ़ रहे हैं, और आगे एक सस्पेंस है निर्भय सिंह जी को बताना चाहते हैं। तो बेटा पहले आप जर्नी के बारे में बताओ और आगे का क्या प्लान है, तो वो बात। सर जैसे आपने कहा कि 2 साल की जर्नी में, अगर ये 2 साल से अगर मैं पहले की बात करूं कि मुझे आईआईटी पता कैसे चला, तो 6th में मतलब मेरे पापा ने मुझे बताया था, और मेरे पापा भी आईआईटी दे चुके हैं, 1997 में उन्होंने दिया था पेपर आईआईटी का, पर उसमें वो मतलब पास नहीं हो पाए उसमें, और ये ड्रीम मेरे ग्रैंड फादर का था, वो मेरे पापा ने कैरी आउट किया, पर उनसे मतलब
पूरा नहीं हो पाया। अब ये ड्रीम की मतलब ऐसे नहीं कि मेरे पापा ने मुझे फोर्स किया कि आईआईटी जाना ही जाना है। उन्होंने सिक्स में मेरे अंदर मतलब इंजीनियरिंग और साइंसेस को लेकर ऐसा एक इंक्लाइन था मैं साइंसेस और मैथमेटिक्स की तरफ, तो उन्होंने ही मुझे ये रिकमेंड किया था कि सिक्स ही मुझे पता था कि आईआईटी मतलब पेपर होता है आईआईटी पर। मैंने अपनी प्रिपरेशन इलेवेंथ में स्टार्ट की। मुझे अगर मैं फोर्ट रोली बोलूँ तो मुझे प्रसून सर के बारे में टेंथ में पता नहीं था। मैं इलेवेंथ में आया था और मैंने जब एंट्रेंस एग्जाम दिया था कोचिंग सेंटर का, तो वहाँ पर मुझे दिनेश सर मिले थे। मुझे सिर्फ उनका पता था क्योंकि टेंथ में उन्होंने मुझे डेमो क्लासेस दी थी। वहाँ पर आके मुझे सेकेंड बैच मिल रहा था, पर दिनेश सर थे जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया टॉप बैच में। वहाँ पर मुझे प्रसून सर मिले थे। प्रसून सर जैसे फिजिक्स में मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था, और नाइन्थ टेंथ में जैसे मैं कुछ ऐसे रखता नहीं था कि जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाइन्थ में टेंथ में ही आ जाते थे। तो हमारा जो मेन बैच कोर्स शुरू होने से पहले सर ने हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन करवाया था, उसमें मैं सर से काफ़ी मतलब अजीब अजीब से डाउट पूछता था। तो वो ऑनलाइन था क्योंकि उस टाइम टेंथ हमारी चल रही थी। जब हम पहली बार सबसे मिले थे तो सर ने सबसे पहले ये किया था कि तुम्हारे डाउट्स बहुत अच्छे होते हैं, और मतलब काफ़ी सर से मिल के ऐसे लगता था कि जो टेंथ में पढ़ा है वो तो अभी कुछ है ही नहीं, आगे और भी कुछ है। इलेवेंथ मैंने जो प्री प्रिपरेटरी कोर्स था जो हमने इलेवेंथ से पहले स्टार्ट किया था उसमें मतलब मैं काफ़ी लेट एंटर किया था। मेरा शायद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लास्ट 10% में मैंने शायद एंटर किया होगा, और मुझे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने सर से बात की, सर से मैंने आज तक एक ही डाउट सेशन लिया है और वो भी उसी के लिया था। बाकी क्लास में सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि अभी डाउट सेशन वैसे नहीं कि क्वेश्चंस को लेकर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जो मैंने डाउट सेशन लिया था वो सिर्फ एक ही दिया है मैंने, और उसमें मेरा एक दोस्त भी था। उसमें सर ने एक दिन में हमें मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की इतनी अच्छी क्लैरिटी दी कि उसके बाद क्लास में जैसे कई बार न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सभी चैप्टर्स में यूज होता है, तो कई बार क्वेश्चन आता था जो हमारी क्लास के जो अच्छे बच्चे होते थे कई बार वो भी गलत कर देते थे, पर मैंने काफ़ी बार वो सही किया। सर ने उस दिन जैसे समझाया था वो मतलब एकदम जहन में बस गया था। मेरा दोस्त भी था वहाँ पे, उसका भी काफ़ी मैं पहले चला गया था वहाँ से, लेकिन मेरा दोस्त उसके बाद भी था वहाँ पे, उसका भी काफ़ी अच्छा हो गया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सारे फिजिक्स में यूज होने ही होते हैं। कई बार बातें चलती चलती मैथ्स को सर काफ़ी मतलब वो करते थे, केमिस्ट्री में चले जाते थे कई बार। मतलब मुझे ये ऐसा लगता है पर्सनली, मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से डिराइव्ड है। यही सर हमें क्लास में बताते थे। बेटा तेरी बातें इतनी अच्छी हैं, मन करता है कि सुनते रहे, मतलब इतनी अच्छी ये बेटा बातें कर रहे हैं और लगातार मतलब ऐसे मन करता है कि मतलब आप सुन सर बोलते रहे और हम सब इधर बैठ के सुनते रहे। तो बेटा ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है, मतलब जो जो डीएनए में हमेशा बार बार बात बोलता हूँ, जो वाइब होती है, जो डीएनए होता है, कि मैं हमेशा आपको बात बोलता हूँ, चूज अ गुड मेंटर। मेंटर आपके वो होने चाहिए जिनके साथ आपका एक्चुअली दिल लगे। और इस पे निर्वैर एक सवाल मेरा छोटा सा और आता है कि जर्नी कभी भी ना स्टैग्नेंट नहीं करती। मतलब अगर हमने इस प्रिपरेशन को शुरू किया है तो ग्राफ इंक्रीजिंग को चलो बहुत ही कम दिखता है, मेजर भी हमें एक बहुत बार वो लो पॉइंट आता है हमारा, और वो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे एक एक्चुअली मेंटोर का सही रोल आता है। तो पहले तो वो लो पॉइंट आपका कब आया और फिर उससे आप कैसे बाहर निकले, और प्रसून सर आपके उस वक्त साथ थे, तो उस पर कुछ अगर आप बच्चों से कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो जैसे सर आपने बात बोली कि मेंटर अच्छा चूज करना चाहिए, सबसे पहले तो मैं डेस्टिनी को थैंक यू बोलूंगा। मुझे पता नहीं था सर प्रसून सर के बारे में, बिल्कुल नहीं पता मुझे खुद, मतलब जैसे डेस्टिनी में लिखा होता है वैसे मिले थे मुझे सर। उसके बाद
आप जैसे कह रहे हो कि जो मेरा डाउनफॉल आया था सच मुझे कभी महसूस तो नहीं हुआ कभी मतलब सर मतलब ऐसे सर हमें हंसता खेलते रखते थे जैसे डेढ़ घंटे की हमारी क्लास होती सर लोग कई बार वो टीचर्स बाहर खड़े रहते थे सर पढ़ाते रहते हम पढ़ते रहते थे वो जो जर्क्स है वो बच्चे को महसूस ही नहीं होगी इस जर्नी के अंदर वो लो पॉइंट भी है। सबसे बड़ी बात निर्वेयर का एक्चुअली सब्जेक्ट पे भरोसा बहुत ज्यादा था। He was not very greedy कि मुझे इस सब्जेक्ट से अभी के अभी इसी टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आ पाए। अगर इसको बोला गया कि ये सब्जेक्ट में इस टॉपिक को इतना डिटेल समझने से एंड में फायदा होगा तो उसने उतना डिटेल में समझा। अगर इसको बोला जाता था कि ये किताब नहीं पढ़नी नहीं पढ़ता था ये किताब करने से फायदा होगा तो ये करता था। इसने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा कि मुझे कमिंग संडे टेस्ट में जो फायदा होगा बस मुझे वो करना है। थोड़ा लॉन्ग टर्म अपने आईक्यू और स्किल को बिल्ड किया मतलब अपने खेत को बहुत सारे बच्चों का खेत उपजाऊ होता है फर्टाइल होता है टेंथ में अच्छी ग्रेड आए होते हैं नाइन टेंथ ग्रेड आए होते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती है अपने आप से कि वो चाहते हैं कि रेस में इट्स अ मैराथन वो चाहते हैं हमेशा हम औरों से आगे अपने स्टेमिना को बिल्ड करना अपने आईक्यू को बिल्ड करना स्किल्स को बिल्ड करना टाइम लगता है। फिजिक्स में भी लगता है केमिस्ट्री में तो बहुत लगता है। केमिस्ट्री है सिंपल बट आई मीन रिक्वायर्स क्या कहते हैं उसको बहुत ही टिका के कॉन्सेप्ट्स को लाइन में बिठा के आराम से स्ट्रीमलाइन करना तो उसके लिए टीचर पे ट्रस्ट होना प्लस टीचर की बात मानना फॉलोअर होना फॉलोअर के बहुत ग्रीडी नहीं था ये शॉर्ट टर्म में जैसे मेरे डिफरेंट मार्क्स कम आ रहे हैं तो मतलब पक्का मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बड़े राम से ये जो प्राइमरी आईआईटीज हैं उनके अंदर भी किसी एक ब्रांच में सेटल हो सकता है। एट द सेम टाइम इसका ऑल ओवर इंडिया जेई मेन में जो रैंक है आपका एग्जैक्ट रैंक क्या है जेई मेन में 20 आपने जो शक्ति दी है इसको मतलब जो एक मेंटोर का रियल रोल ये है टारगेट आईआईटी में रैंक या एनआईटी में एडमिशन नहीं है टारगेट ये है कि बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि वो लड़ाई लड़ सकता है। जीवन में लड़ाइयां बच्चों बहुत आएंगी जेई की कोई लड़ाई या आखिरी लड़ाई नहीं है ये पहली लड़ाई है। इसके बाद लाइफ में आपके और भी बहुत चैलेंजेस आएंगे जब आप थोड़ा बाहर निकलोगे है ना आप बड़े हो गए आपकी भी शादियां होगी आपने अपने कॉलेजेस में जाना है आपने बहुत लड़ाइयां और लड़नी है तुम वो लड़ाई लड़ सकते हो ये विश्वास ये प्रिपरेशन दिलाती है। और मुझे वाकई सर मैं मन से ना बड़ा मतलब गदगद हो रहा हूँ मुझे बड़े टाइम बाद ये कैसा बच्चा मिला है बच्चों इसे हम कह रहे हैं कि तू आगे चला जा तू एनआईटी एडमिशन ले ले तू आगे बढ़ जा प्रसून सर कन्विंस कर रहे हैं मैं कन्विंस कर रहा हूं पर बच्चों निर्वैर सर ये मुझे पता है क्या भी कह रहा था ये कह रहा था विजय सर प्रसून सर आएंगे ना मुझे भी उन्हें मनाना कि मुझे ड्रॉप करने दे बच्चों हम मना कर रहे हैं टीचर्स की मत कर आगे बढ़ जा लाइफ में टॉप एनआईटी में तू जा सकता है या निर्वैर ये विश्वास कहां से आता है और क्यों ड्रॉप करना चाहते हो मतलब दोबारा एक बार क्या है वो ज़ील अंदर से जो कह रही है कि नहीं मुझे लड़ाई लड़नी है वो अपनी पोजीशन हो जाओ है ना दिख रहा है जैसे अभी सर ने पूछा कि ड्रॉप क्यों लेना है अभी जैसे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख मतलब ये वीडियो देख के ये सोच रहे होंगे कि इतने अच्छे टीचर और इतने कम मार्क्स हैं इसमें तो मैं शुरू से ही ये सोचता था कि ये बीच में मुझे डांटा भी गया था इसके लिए कि मैं अपने टीचर्स के लिए AAR 1 लेके आऊंगा कि मैं अपने टीचर्स को ऐसे मतलब अपने टीचर्स को ऐसे डाउन दिखाना नहीं चाहता किसी के सामने। ड्रॉप का जो मेन रीजन है वो यही है कि एक तो मैं अपनी लाइफ में और इम्प्रूव कर सकता हूँ जैसे हमारा एक क्लबिंग सेशन हुआ था उसमें
कई चीजें नई सीखने को मिली थी, ऐसी कई चीजें और भी हैं जो नई सीखी जा सकती हैं, स्पीड इंक्रीज करी जा सकती हैं, कंसेप्ट्स और सीखे जा सकते हैं। वैसे ही विजेता बना चुकी है तो तू, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, अब जेई एडवांस अगले साल तू देता है ना, और तू क्या स्कोर लेके आता है वो सब टाइम की गेम है, बट तू सक्सेसफुल है क्योंकि तुझे लाइफ का बेसिक पैरामीटर समझ में आ गया, लड़ना कैसे, ठीक है। तो वी आर प्राउड ऑफ यू, ये मार्क्स कम नहीं है, पहले ये बात तुझे भी क्लियर होनी चाहिए। और ड्रॉप लेने का जो मेन वो है वो ये है कि मुझे नॉलेज कम नहीं है, मेरी प्रैक्टिस ही कम हुई थी। उसका मेन कारण यह है कि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है, तो बीच में सितंबर के करीब मैंने मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। एक प्लेटफॉर्म था कोर्स हीरो नाम का है, अगर आप सर्च करेंगे वहाँ पे, मैं एज अ डाउट सोल्वर मतलब मेरी पोस्ट थी उसमें मुझे मतलब दिन के 4-5 घंटे लग जाते थे, और जेई प्रिपरेशन में 4-5 घंटे दिन के देने काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे करना ही पड़ा उसमें। उसके बाद जब मेरा जेई मेंस दिसंबर के एंड में मैंने वो खुद ही बंद, मतलब उन्होंने पीछे से कुछ ऐसे स्ट्राइक्स आ गई थी मेरे, क्योंकि मैं दोनों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो खुद ब खुद मुझे मतलब मेरे डैशबोर्ड पे क्वेश्चन आने बंद हो गए थे, तो बंद हो गया। उसके बाद मैं पूरा जेई के लिए मतलब पूरा 100% फोकस उधर आ गया। उसके अलावा भी मतलब मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होता था, इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे नॉलेज तो है पर इस बार और प्रैक्टिस करके मैं आराम से अच्छा कर सकता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस की। और जैसे हमें टेस्ट में प्रेशर हैंडल करने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो बच्चों आपने देखा कैसे एक स्टूडेंट निर्वैर सिंह, जिसने अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी कम होने के बावजूद भी इस लड़ाई को किस जज्बे के साथ लड़ा, और इस जर्नी को लड़ने के लिए बेटा मैं हमेशा ये आपको बात बोलता हूँ, यू गाइस नीड अ गुड मेंटोरशिप, यू गाइस नीड समवन जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे और आपके लो फेस को आपको भी ना महसूस होने दे कि लो फेस कब आया और कब आपका निकल गया। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस देश के बहुत सारे बच्चों को वेदांतु में पढ़ाने वाले टीचर्स जैसे कि प्रसून सर है, और प्रसून सर जैसे और भी इस देश में जो अच्छे टीचर्स हैं उन्हें वो सही मेंटर्स मिले, और ताकि ये बच्चे ये जज्बा और कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला पाए कि अभी भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इस पे सर एक दो लाइनें हैं, कहता है चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो निर्वैर सिंह और निर्वैर सिंह जैसे और भी जितने भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं, बच्चों प्राइमरीली ये बात याद रखिए, उद्देश्य इस प्रिपरेशन का कोई रैंक या रिजल्ट या कोई सीट नहीं था, उद्देश्य इस प्रिपरेशन का ये था कि जिंदगी की जंग को लड़ा जा सके। मैं लड़ूं या ना लड़ूं मेरी चॉइस हो, लेकिन जब लड़ना पड़े तो मेरे में ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं लड़ लूंगा। तो मैंने तो इस प्रिपरेशन के अंदर यही सीखा है, और जब अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं आपको, है ना, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा, तो बच्चों के अंदर भी ये जो फीलिंग और जो कॉन्फिडेंस है वो आपका आ जाता है। ऐसे ही अगर आप हमारे साथ इस अगले साल पे अपनी इस प्रिपरेशन को एक बार और लड़ना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा है मंथन बैच, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसको हमने बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे रखा है ताकि हम आप जैसे बहुत सारे बच्चों को इस देश में मदद और हेल्प कर पाए और आपकी इस प्रिपरेशन में आपका साथ निभा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून सर और बेटा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे इस चैनल के बच्चों को और आगे प्रोत्साहन और प्रेरित करने के लिए। लव यू प्रसून सर, लव यू सर।